हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली टिप्स। आज डेली टिप्स किचन सेक्शन में हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का, जो बहुत ही आसान है। आप इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। चिकन बोनलेस लिया हमने 1/2 kg, होममेड चिकन टिक्का मसाला लिया 2.5 टेबल स्पून। आप चाहे तो बाज़ार का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घर का जो टेस्ट है वो बेस्ट है। जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून, 1/2 कप दही लिया। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसको मैरिनेट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए हुए बेल के निशान को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको डेली की टिप्स हासिल हो सके और वीडियोस मिल सके। तो यहाँ पर हम एक लेते हैं बाउल, उसमें डाल लेंगे हम दही, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिकन टिक्का मसाला। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया इस तरह। अब हम इसमें चिकन डाल देते हैं। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देते हैं। मैक्सिमम आप 2 घंटे छोड़ सकते हैं। दो घंटे के बाद हम इसको स्टिक्स पर लगाते हैं। ये कुछ स्टिक्स ली मैंने, और इस पर मैं 1 by 1 करके चिकन लगाती जाऊंगी। मैं 4 पीस चिकन के लगाऊंगी, आप चाहे 5 भी लगा सकती हैं। इसी तरह से मैं बाकी सारे भी कर लूंगी। तो ये सब स्टिक्स तैयार हो चुकी हैं, अब हम इनको ग्रिल कर लेते हैं। चूल्हे पे मैंने ग्रिल गर्म होने के लिए रख दी, और ऑयल डाला तकरीबन 1 टेबल स्पून या उससे भी कम। और इस पे अब हम स्टिक्स लगाते हैं। एक साइड पकने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए कितना जूसी और मज़ेदार लग रहा है। इसकी बहुत ही आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा लगा। तो ये बिल्कुल रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़बरदस्त और मज़े का टिक्का लग रहा है। आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के निशान को दबाइए। तो अपना रखिए बहुत सारा ख्याल, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।